हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। और मधुमेह के रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड कौन कौन से मेडिसिन होती है, कौन कौन से मेडिसिन को कितनी मात्रा में देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और प्लीज़ कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी टेबलेट मत खाना, डॉक्टर के सजेशन से ही मेडिसिन लेना चाहिए। मैं केवल मेडिकल स्टूडेंट का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन आती है ग्लाइसीफेज, नाम होता है ग्लाइसीफेज मेडिसिन होती है, ठीक है? ये ग्लाइसीफेज मेडिसिन डायबिटीज़, जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जितने भी डायबिटिक पेशेंट जिसे मधुमेह रहता है, स्टार्टिंग जो रहती है उसमें देते हैं। ड्रग का नेम, इसके अंदर जो ड्रग पाया जाता है मेटाफॉर्मिन, ठीक है? मेटाफॉर्मिन इसके अंदर जो ड्रग होता है, इसके अंदर जो ड्रग सॉल्ट का नाम है मेटाफॉर्मिन ड्रग, इसके अंदर पाया जाता है। गाइस, जो ग्लाइसीफेस जो मेडिसिन होती है, ये ग्लाइसीफेस मेडिसिन यह शुगर की प्रारंभिक स्थिति में दी जाती है। यदि कोई पेशेंट है, उसको अभी अभी इनिशियली स्टार्ट हुई है डायबिटीज़ होना, उसको पहले से डायबिटीज़ नहीं थी, इनिशियली स्टेज है, तब हम लोग ये जो टेबलेट है, जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, वो पेशेंट को स्टार्ट करता है। यह ड्रग प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ जाने पर भी दी जाती है, और यह सबसे सुरक्षित दवाई। देखो गाइज, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी में ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी में जो फीमेल होती है उसकी शुगर इंक्रीज हो जाती है, किसी कारण से उसकी शुगर बढ़ जाती है, ठीक है? इसीलिए अगर आपको याद हो तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब उसको टेस्ट करवाते हैं हम लोग, GTT 1, GTT 2, GTT 3, GTT टेस्ट होता है, ठीक है? GTT टेस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग ग्लूकोज लेवल, टॉलरेंस लेवल जो उसका पता करते हैं। तो गाइस, क्या कुछ कंडीशंस होती है जिसमें फीमेल का जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उस अवस्था में यदि ये टेबलेट दी जाती है तो सबसे सुरक्षित मेडिसिन ये मानी जाती है, ठीक है? फीमेल के अंदर एकदम कम्प्लीटली सेफ मेडिसिन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यदि शुगर बढ़ती है तो फीमेल ये मेडिसिन ले सकती है। डोज इसका जो डोज होता है गाइस, 500 mg पर डे, दिन में एक बार, ठीक है? 500 mg पर डे ये दवाई दी जा सकती है, ठीक है? गाइस, बिना डॉक्टर के सजेशन से तो मेडिसिन खाना नहीं है किसी को भी, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि डिपेंड करता है पेशेंट की कितनी ज़्यादा शुगर बढ़ी हुई है, कितनी कम शुगर बढ़ी हुई है, उसका वेट क्या है और उसकी एज क्या है, ये सारे क्राइटेरिया को देख के फिर जो फीमेल होती है उसको टेबलेट दी जाती है। कोई भी व्यक्ति हो जिसे डायबिटीज़ हुई हो तो पहले पेशेंट को देखना पड़ता है, उसके बाद हम मेडिसिन देते। तो याद रखना, ग्लाइसीफेस जो मेडिसिन होती है इसके अंदर मेटाफॉर्मिन पाया जाता है, या शुगर की प्रारंभिक स्थिति में दी जाती है। यह ड्रग प्रेगनेंसी में सबसे सुरक्षित मानी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका, फिर मैं दूसरी मेडिसिन के ऊपर बढ़ता हूँ। दूसरी जो मेडिसिन आती है ग्लाइजिट, ठीक है? ग्लिजिट जो मेडिसिन आती है, ग्लिजिट जो मेडिसिन होती है, नाम से बिकती है ग्लिजिट 40, ये ना, ये इसके जाइट, ठीक है? ग्लिजिट के नाम से मिलते हैं, ग्लिकाजाइड इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। यह दवाई टाइप 2 डायबिटीज़ में दी जाती है। जब किसी व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है तब टाइप 2 डायबिटीज़ में इस मेडिसिन को दिया जाता है। और अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो मेरे चैनल में जाके देखो, वहाँ पे वीडियो डली हुई है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती है, सारी चीज़ें। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में हम ग्लिकाजाइड जो कंपोजिशन वो देते हैं, यह प्लेटलेट को नियंत्रित रखता है, इससे फ्री रेडिकल कम होते। अगर आप देखो, ये जो ग्लिकाजाइड है ना, ये आपकी बॉडी में ना प्लेटलेट की मात्रा को नियंत्रित रखता है। अब जब प्लेटलेट नियंत्रित रहती है, मतलब नॉर्मल रहती है ना, तो आपके जो फ्री रेडिकल बनते हैं, अब ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं ये मैं डिटेल से नहीं बता सकता, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो फ्री रेडिकल क्या होते हैं बॉडी में। ये फ्री रेडिकल नहीं बनते, और जब फ्री रेडिकल नहीं बनते तो जो फ्री रेडिकल नहीं बनते तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक है? तो फ्री रेडिकल जो बहुत ही हार्मफुल रहते हैं गाइज, आप लोग देख सकते हो, अगर फ्री रेडिकल बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, कम हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देख सकते हो आप लोग। तो प्लेटलेट को भी नियंत्रित रखता है इस दवाई को। आप बोलोगे सर, ये तो शुगर की दवाई में आप प्लेटलेट कहाँ से घुसा रहे हो? भैया जाओ, उसके बारे में, दवाई के बारे में पढ़ो, उसके यूज़ के बारे में पढ़ो, तब समझ में आएगा। इस दवाई को लेने से वजन भी नहीं बढ़ता। अब क्या होता है, कोई पेशेंट यदि शुगर की मेडिसिन लेता है ना, तो शुगर की मेडिसिन लेने से उस व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, ठीक है? ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है, शुगर की मेडिसिन लेने से उसके जो वेट में चेंजेस जरूर आते हैं, तो उसका वजन भी है ना, वो वजन भी नहीं बढ़ने देती ये दवाई, ठीक है? ग्लिकाजाइड इसका डोज जो होता है 80 mg पर डे, दिन में 2 बार ये पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट की कंडीशन, उसका वजन, वेट, एज, उम्र, शुगर का लेवल, ये सारी चीजें देख के दवाइयाँ देते हैं। पर 80 mg
पर डे 80 ml, 80 ml, 80 mg के समथिंग ये दिन में दी जा सकती है। यानी कि जैसे कि 40 mg की गोली है तो दिन में 2 बार दे दो, 40 mg सुबह, 40 mg शाम जी, तो टोटल हो गए 80 mg पर डे। ठीक है, दिन में इसको हम 2 बार दे सकते हैं 40 mg की गोली। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है हमारी ग्लाइनेस। ठीक है, ग्लाइनेस जो मेडिसिन होती है मार्केट में ग्लाइनेस XL5 के नाम से ये अवेलेबल होती है, फेमस ब्रांड है ग्लाइनेस के नाम से मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है, और इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है ग्लिपिजाइड। देखो ये जो तो ना ग्लिक्लाजाइड था, ये ग्लिक्लाजाइड था और ये ग्लिपिजाइड है। ग्लिक्लाजाइड ये पीछे जो है ग्लिक्लाजाइड है और ये ग्लिपिजाइड है, दोनों में बहुत चेंजेस है गाइस। ठीक है, तो ग्लिपिजाइड क्या होती है, यह दवाई बहुत ही जल्दी शुगर को नियंत्रित करती है। अब कोई पेशेंट है उसकी शुगर ग्लिक्लाजाइड लेने से भी नहीं हो रही है, तो ग्लिक्लाजाइड लेने से नहीं हो रही है तो उसको ग्लिपिजाइड दे दो, क्योंकि ग्लिपिजाइड जैसे पेशेंट खाता है विद इन 5 to 4 मिनट के अंदर उसकी शुगर एकदम सडनली डाउन होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, इससे इस दवाई को लेने से वजन भी कम नहीं होता। अभी कुछ पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि वजन कम हो जाता है, तो इससे वजन भी मेंटेन रहता है। इस दवाई का असर लंबे समय तक रहता है। ठीक है गाइज, ये क्या करती है, 18 घंटे तक इस दवाई का असर रहता है। एक बार इस दवाई को यदि ले लिया तो लगभग 18 घंटे तक इस दवाई का असर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज, तीनों चीज़ें याद रखना। ग्लिपिजाइड है ना, ग्लिपिजाइड ग्लाइनेस के नाम से मिलेगी, पीछे जो पड़ी थी ग्लिक्लाजाइड पड़ी थी अपन ने, ग्लिक्लाजाइड जो होती है अलग होती है, ग्लिपिजाइड अलग होती है। तो ग्लिपिजाइड ये दवाई शुगर को नियंत्रित जल्दी नियंत्रित कर देती है, ये दवाई वजन भी कम नहीं होने देती है, ये दवाई असर लंबे समय तक रहता है इसका। ठीक है, डोज 5 mg पर डे, इसका इस्तेमाल 5 mg पर डे, दिन में 5 mg ही देना है। यानी कि दिन में एक ही बार इस दवाई को देते हैं, क्योंकि इसका एक बार देने से ये बहुत लंबे समय तक असर करती है। ठीक है, एक्सेल मेडिसिन XL5 के नाम से मिल जाएगी आपको, ग्लाइनेस XL5। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, विदाउट परमिशन डॉक्टर के नहीं लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। नेक्स्ट जो हमारी डेओनिल, डेओनिल के नाम से नेक्स्ट मेडिसिन मिलती है। ये डेओनिल भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है डॉक्टर के द्वारा। ड्रग का नेम, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है ग्लीबेंक्लामाइड। ठीक है, ग्लीबेंक्लामाइड इसके अंदर कंपोजिशन होता है, डेओनिल के नाम से मार्केट में मिलती है। ये दवाई बहुत ही जल्दी शुगर को, ये जो मेडिसिन है ना ये भी बहुत जल्दी शुगर को मेंटेन करती है। ठीक है, इसका उपयोग जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखना गाइस, जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, हाई लेवल हो जाता है, तब ग्लिबेंक्लामाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डोज 5 mg पर डे, दिन में लगभग इसको 5 mg के आसपास इसको डेओनिल को टेबलेट को दिया जाता है। दिन में एक ही बार इस टेबलेट को देते हैं। ठीक है, तुरंत या सडनली जो शुगर लेवल है फॉल कर देती है, डाउन कर देती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बिना डॉक्टर के परमिशन से मत लेना, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बन जाएगी। क्योंकि कभी किसी का शुगर ज़्यादा है, आपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले लिया, आपकी बॉडी कुछ अलग है, वेट कुछ अलग है, और आपने खा ली, और सडनली आपका शुगर लेवल कभी बहुत ज़्यादा कम हो गया आपका, तो फिर आप क्या करोगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ग्लिबेंक्लामाइड विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना होती है। ये दवाई बहुत ही जल्दी शुगर को कम कर देती है, और इसका उपयोग शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ती है तब किया जाता है। डेओनिल के नाम से मार्केट में मिलती है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है पायोग्लिट। ठीक है, पायोग्लिट के नाम से बहुत ही फेमस ब्रांड है पायोग्लिट 30 mg। ठीक है, ये मार्केट में मिल जाती है। इसके अंदर जो होता है पायोग्लाइटाजोन। ठीक है, पायोग्लाइटाजोन होता है इसके अंदर कंपोजिशन, पायोग्लाइटाजोन। यह दवाई दूसरी दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अब देखो क्या हुआ कि कभी ग्लिटाजाइड जो पीछे हमने पड़ी थी, ग्लिक्लाजाइड पड़ी थी, ये ग्लिक्लाजाइड वगैरह पीछे की जो दवाइयाँ काम नहीं करती है ना, तब उनके साथ में बोलते डॉक्टर कि वो भी लेना है एक टेबलेट, ये भी लेना है, तो क्या करती है दोनों के मिला के कॉम्बिनेशन में दवाई दी जाती है। और कभी कभी एक ही टेबलेट में कॉम्बिनेशन में भी मेडिसिन मिल जाती है मार्केट में। ठीक है, 30 mg पर डे, दिन में एक ही बार इस टेबलेट को देना होता है। RX प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको प्लीग्लिक्लाजोन लेना है। याद रखना पायोग्लिक्लाजोन। ठीक है, पायोग्लिटाजोन ये मेडिसिन है, इसके अंदर कंपोजिशन होता है पायोग्लिट के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये दूसरे मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में इसको दी जाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है
जीटेन, मार्केट में जीटेन के नाम से दवाई मिलती है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है टेलेग्लिप्टिन, ठीक है, टेनेलेग्लिप्टिन, टेनेलेग्लिप्टिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, टेनेलेग्लिप्टिन, और ये जीटेन के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। ये दवाई दूसरी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में जीत दी जाती है। जो टेनेलेग्लिप्टिन होती है ये भी दूसरी दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसको भी 20 mg पर डे, यानी कि दिन में लगभग इसको एक बार इस मेडिसिन को देना होती है दूसरे मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में। कभी कभी ये दवाई सिंगल भी दी जाती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कॉम्बिनेशन में, पर ज़्यादातर इसको कॉम्बिनेशन में ही देते हुए देखा गया है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको जीटेन समझ में आई होगी। गाइस तो ये कुछ मेडिसिंस थी, इनको याद रखना, और इसकी और भी वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। अब मैं इंसुलिन के बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग मेरे चैनल को जाके विजिट करो, बहुत सारी मेडिसिन और भी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।